ये बेलारूस तैयार, लुकाशेंको गुस्से में है, लेकिन इनके गुस्से के पीछे किसका गुस्सा है? रूसी टारगेट पर नेटो देशों के व्हीकल, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल। उरुजोनियाई में रूस ने किया टारगेट विद द विजुअल, ये हमारे पास जानकारी है। रूसी हमले में नेटो से मिले व्हीकल नष्ट हो गए, ये जानकारी आ रही है। सीधा आइए, यूक्रेन को जल्द मिल सकते हैं F-16, बड़ी खबर। अमेरिका ने नेटो देशों से की अपील, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। डेनमार्क नीदरलैंड सबसे पहले देगा F-16। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यूक्रेनी पायलट की ट्रेनिंग पूरा होते ही F-16 की सप्लाई। ये बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर, यूक्रेन को F-16 देने की तैयारी चल रही है। अमेरिका ने नेटो देशों से की यूक्रेन को F-16 देने की तैयारी, ये इंफॉर्मेशन है। डेनमार्क नीदरलैंड यूक्रेनी पायलट्स की ट्रेनिंग पूरी होते ही F-16 भेज सकते हैं। टू मच टेक्स्ट। यूएस के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पत्र लिखकर अपने सभी समकक्षों से अपील की है। राहुल इसके बाद अगली खबर पर आइए, ब्रेकिंग न्यूज नंबर टू मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आइए सीधे आइए। अब जो सवाल है मेरे पास, बिग बॉल में सवाल है, वो देखिए जरा, सवाल मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए प्ले ऑन करिए, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। क्या है इंफॉर्मेशन? सवाल नंबर एक वो ये है कि क्या यूक्रेन को F-16 भेजना आखिरी विकल्प है? नेक्स्ट दिखाइए, क्या यूक्रेन का फेल काउंटर ऑफेंसिव को बचा पाएंगे? नेक्स्ट दिखाइए, क्या यूक्रेन जंग में F-16 कुछ कर पाएगा? नेक्स्ट दिखाइए, क्या रूस ने F-16 का कोई तोड़ निकाला है? सीधे चलिए मनीष के पास, मनीष क्विक रिएक्शन दीजिएगा ये खबर की, ये वाले सवाल लीजिएगा राहुल और ब्रेकिंग और शॉट दीजिएगा, क्या रशिया ने F-16 का भी तोड़ निकाल लिया है? देखिए कई मायनों में अगर आप देखें तो पहली बात तो यह है कि रूसी एयरफोर्स लगातार उन तमाम एयरफील्ड को निशाना बना रही है जहां से कि F-16 या कोई भी विमान उड़ सके। आज की तारीख में देखिए तो लगभग सभी यूक्रेनी पायलट जो है वो मारे जा चुके हैं, वही पायलट जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं F-16 की। लेकिन F-16 के आने में भी मुझे लगता है दिसंबर से पहले संभव नहीं हो पाएगा, तब तक उनके सारे एयरबेस खत्म हो चुके होंगे। और दूसरी बात, रूस ने साफ कह दिया है कि अगर F-16 किसी और देश से उड़ान भरकर आता है हम पर अटैक करने, तो हम उन देश पर भी हमला करेंगे।